अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, कुछ बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट लेके आई हूँ, कुछ न्यू लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। मैं फैब्रिक की ज्वेलरी लेके आई हूँ आप लोगों के पास, जो घर में आप आसानी से बना सकते हैं। कपड़े आप लोगों के जो एक्स्ट्रा बचते हैं जब आप लोग अपने ड्रेसेस लेते हैं उनके साथ के जब कपड़े बचते हैं, तो देखें ये इयररिंग्स बने हुए हैं, ठीक है, झुमके बने हुए हैं। तो हम अपने जो कपड़े वगैरह हैं उनको भी हम लोग वेस्ट ना करें, इससे देखें कितनी ज़बरदस्त ज्वेलरी बनी हुई है। इससे आप लोग झुमके बना सकते हैं, ये देखें ब्रेसलेट बने हुए, हाथ में डालने वाले ब्रेसलेट बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गले में पहनने वाले हार बना सकते हैं, अंगूठियाँ बना सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म की वीडियोस चाहिए, किस किस्म की न्यूज़ चाहिए फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के लिए वैसी ही लेके आऊँगी। तो इसमें देखिए ये गले में पहनने वाले जो हैं वो एक किस्म के हार से बने हुए हैं और ये भी बनाए गए हैं, इसमें मोतियों का यूज़ किया गया है और साथ जो है वो कपड़ा ऊपर चढ़ा के तो वो बनाए गए हैं। ये भी देख लें डियर फ्रेंड्स, ये जीन्स नीचे लगी हुई है, जीन्स को काट के पत्ते की शेप दे ली गई है और ऊपर जो है सिंपल कपड़ा जो है वो लगा दिया गया है। और आप लोग देखें कितने ज़बरदस्त झुमके बन गए हैं और इनके ऊपर हम लोग जैसी भी चाहे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हमें बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फैब्रिक की ज्वेलरी जो है हम लोग घर में भी आसानी से बना सकते हैं, जो कि बहुत यूनिक है और पहने भी आप लोगों को बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगी, बिल्कुल डिफरेंट सी लगेगी। तो ऐसी ज्वेलरी जो है वो शॉप से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस किस्म की आप लोगों को चाहिए होती है। तो इसमें आप लोग कलर कॉम्बिनेशन जो है वो कर सकते हैं घर में, अगर आप लोगों के पास ये देखें ये जो गले में पहनने वाला इनका नेकलेस बना हुआ है, ये भी इसके साथ सिर्फ धागे का इस्तेमाल जो है वो किया गया और आप लोग इसको भी आसानी से बना सकते हैं। ये भी देखें मुख्तलिफ कलर की जीन्स जो है उनको यूज़ करके तीन जो है उसके मतलब ये बना के तीन लेयर्स बना के तो उसको बना दिया गया है। ये देखें गले में पहनने वाली है, ये भी घर में बनाई गई है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसमें आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी और आप लोग आसानी से इसको बना सकेंगे। ये देखिए इसके दरमियान में जो है कपड़ा यूज़ किया गया है और साइड पे आप लोगों के घर में रिंग्स जो होती हैं ना वो अगर ख़राब हो जाती हैं तो आप लोग कोई भी मोती लें, चकोर कोई भी चीज़ लें, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएं और जो जहाँ से आप लोगों का मोती निकल जाता है आप लोग वहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखें जी इन्होंने जो गले में हार पहना हुआ है ये भी फैब्रिक का बना हुआ है, घर में बना हुआ है, आसानी से बना हुआ है। और जो इयर रिंग्स हैं वो भी बने हुए हैं इसके साथ के, यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। आप लोग ये जो तमाम ज्वेलरी है आप लोग इसको अपने हाथ से बना सकते हैं, शॉप से परचेज़ करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ज्वेलरी जो है वो शॉप से आप लोगों को मुश्किल से ही मिलती है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, यहाँ से आप लोग आइडियाज़ लें कि आप लोगों को किस किस्म की ज्वेलरी चाहिए। अगर आप लोगों अब देखें डियर फ्रेंड्स, आप लोग जब भी कोई प्रिंटेड सूट लेते हैं देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बनी हुई है, रिंग बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है। हाथ में पहनने वाली रिंग है और ये किससे बनाई गई है, धागों से बनाई गई है, मुख्तलिफ किस्म के धागे जो है वो यूज़ किए गए हैं और उनसे जो रिंग्स है ये बनाई गई है। ये देख लें जी कपड़ा था पूरा, इसके ऊपर धागे लपेट के कुछ जगह से इनको गैप दे दिया और कुछ जगह से इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये भी कितना ज़बरदस्त गले में पहनने वाला बन गया। ये देख लें जी कानों में डालने वाले झुमके बने हुए हैं, ये भी धागे की मदद से हैं और बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत यूनिक बने हुए हैं डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को आप लोग कोई भी ड्रेस ले लेते हैं तो आप लोगों ने अपना माइंड बना लिया है कि आप लोगों ने सेम वैसी ही ज्वेलरी जो है वो पहननी है, तो आप इस तरह करें। उसी किस्म के आप लोग बाज़ार से कुछ मोती ले सकते हैं, वो आप लोगों के काम आएंगे। धागा तो हर घर में ही होता है, थ्रेड पड़ा हुआ होता है,
वो आप ले लें। इसके अलावा आप लोग मोती लें, धागा लें, और जो आपके ड्रेस के साथ के जो बचते हैं ना, कपड़े बच जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, उनको आप सुई की मदद से डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। डिफरेंट शेप दे के तो आप लोग ये देखें, ये भी घर में बना हुआ है, बहुत आसानी से बन जाता है। जस्ट आप लोगों ने हुक लेने होते हैं बाजार से, और ऊपर जो है वो आप लोग हुक लगा लें तो आप लोगों के इयर रिंग्स भी बन जाएंगे। इसके अलावा जो गले में पहनने वाला नेकलेस है उसके साथ तो आप लोगों को हुक की ज़रूरत ही नहीं है। वो आप लोग जो धागे हैं आप लोगों के पास उनका यूज़ करके, और जो कपड़ा है उसका यूज़ करके आप लोग आसानी से वो घर में ही बना सकते हैं, और अपने ड्रेस के साथ की सेम ज्वेलरी जो है आप लोग पहन सकते हैं। और अगर आप लोग अपने ड्रेस के साथ की सेम ज्वेलरी जो है वो पहन लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। आप लोग किसी फंक्शन पे भी जाएंगे तो सब लोग देख के हैरान हो जाएंगे, इस वजह से कि जैसा ड्रेस पहना हुआ है वैसी ज्वेलरी है, जैसे ड्रेस की डिजाइनिंग है, कलर कॉम्बिनेशन है, तो वैसी ही सेम ज्वेलरी जो है इन्होंने पहनी हुई है। और सब आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से लिया। अब ये देखिए इसका डिजाइन कितना जबरदस्त बना हुआ है, जस्ट ऊपर से मफरल के साथ जो है वो तीन फ्लावर जो है वो एडजस्ट कर दिए गए हैं, और बहुत ही यूनिक है। आप लोग किसी भी पार्टी पे चले जाते हैं, किसी भी शादी पे चले जाएंगे, किसी भी आप लोग फंक्शन पे चले जाएंगे, और अगर आप लोगों ने फैब्रिक की ज्वेलरी पहनी हुई होगी तो सब आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे, बिकॉज ड्रेसेस के साथ की ज्वेलरी सेम फैब्रिक वाली जो ज्वेलरी है वो बाजार से लेना बहुत मुश्किल है। सेम वैसी ही हमें नहीं मिलती, अगर मिलेगी भी तो मुख्तलिफ डिजाइन में मिलेगी, और जिस किस्म की हमें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिल सकती। तो आप लोगों को यहाँ से जो भी पसंद है डिज़ाइन, आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लें, और आप लोग आसानी से घर में बना सकते हैं, और अपने हर ड्रेस के साथ आप लोग घर में फैब्रिक की ज्वेलरी जो है वो भी बना सकते हैं। ये बहुत यूनिक आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। डियर फ्रेंड्स, जिनके माइंड में नहीं है तो आप लोग यहाँ से ये आइडिया ले सकते हैं, और अपने ड्रेसेस के साथ की सेम ज्वेलरी जो है वो आप लोग घर में बआसानी बना सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को आपके ड्रेस के साथ की ज्वेलरी फैब्रिक वाली बाजार से आसानी से नहीं मिलती। जो लड़कियां, ये देखें इन्होंने ब्रेसलेट बनाया हुआ है आसानी से, ये भी इन्होंने घर बनाया है, और घर में देख लें आसानी से कितनी ज़बरदस्त और कितनी यूनिक चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये भी गले में पहनने वाला है, तो इसको पहले तार के ऊपर जो है थोड़ी सी रुई आप लोग लपेटें, रुई के ऊपर आप लोग ये देखें कपड़ा ऊपर लपेटा हुआ है, कपड़ा लपेट के इसके ऊपर आप लोग मोती लगा दें, और गले में पहनने वाला आप लोगों का नेकलेस जो है वो तैयार हो जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त लगेगा, आप लोगों को बहुत खूबसूरत लगेगा। आप लोगों के पास अगर कोई भी ऐसा ड्रेस है तो आप लोग उसके साथ गले का नेकलेस भी बना सकते हैं, उसके अलावा आप लोग कर सकते हैं इयर रिंग्स भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप लोग हाथ में पहनने वाली रिंग्स भी बना सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी है, सारी फैब्रिक ही है ये, और बाजार से भी आपको आसानी से ये चीज़ नहीं मिलती। तो आप लोग इसको घर में सीखें और घर में बनाएं, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही यूनिक लगेगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये देखें जी, मऊस की शेप बनी हुई है इयर रिंग्स की। तो घर में अगर हम लोग फैब्रिक की बनाते हैं तो उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन जो हमें ज़्यादा पसंद है, हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोग उसी डिज़ाइन में वो चीज़ जो है वो बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अगर यहाँ से कोई भी अच्छा लगता है उसका आप लोग स्क्रीन शॉट लें, और आप लोग आसानी से वो चीज़ घर में बना सकते हैं। अब ये देखिए कंगन घर में बनाना बहुत आसान है, आप लोगों के घर में अगर कोई कंगन है जो ख़राब हो गए हैं तो आप इस तरह करें, कपड़ा लें जिसके उसके ऊपर आप लोग लपेटें, गम के साथ लगा लें, ठीक है, उसके साथ आप लोगों ने जो डिज़ाइनिंग करनी है जो भी उसके ऊपर लगाना है तो वो भी आप गम की मदद से उन कंगन के ऊपर लगा सकते हैं। घर में मैं आपको बात बताऊं कि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं जाती, अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। अक्सर हम अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो फेंक देते हैं, तो आप लोग उनको संभाल के रखिए, और कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद नहीं है डियर फ्रेंड्स, उससे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। देखें ये फैब्रिक की ज्वेलरी है, इट्स मीन के हमारे पास जो बचे हुए कपड़े होते हैं, जो फैब्रिक पड़ा हुआ था, ये देखें जीन्स का बना हुआ है सारा, ये जो नेकलेस गले में डालने वाला है ये जीन्स का बना हुआ है, इस जीन्स के मुख्तलिफ फूल काट के उनको सुई की मदद से एडजस्ट करके ऊपर मोती लगा दिए गए हैं। हम लोग घर में जब ये बनाते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से बना सकते
सकते हैं और बाहर से ये चीज़ जो है हम लोग वैसी की वैसी परचेज नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ आप वेस्ट मत किया करें, आप उनको अपने यूज़ में ला सकते हैं। अब देखें, ये फैब्रिक की ज्वेलरी है, जो चीज़ हम फेंक देते हैं, जो कपड़ा हम फेंक देते हैं फजूल समझ के, उसको देखें कितना ज़बरदस्त उसका यूज़ कर लिया गया है, बहुत ज़बरदस्त उसको एक शेप दे दी गई है, और कुछ इयररिंग्स उसके बना दिए गए हैं, कुछ नेकलेस बना दिए गए हैं, कुछ धागे की मदद से डिजाइनिंग की गई है, कुछ हाथ में पहनने वाली रिंग्स बना दी गई हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग किसी चीज़ को भी वेस्ट मत किया करें, बिकॉज हर चीज़ जो है उसका कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होता है, और ये फैब्रिक की ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक आइडिया है डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये। तो आप लोग घर में इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर चेक कीजिए कि आप लोगों की ये जो फैब्रिक की ज्वेलरी है ये किस तरह बनती है, और जब आप पहन के जाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई डिज़ाइन रह न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।